नमस्ते नमस्ते बिहार न्यूज पोर्टल देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है और आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की रणभेड़िया बज चुकी है। ऐसे में सारी पार्टियां जो है अपने अपने कैंडिडेट को अपने अपने क्षेत्र में जगह चिन्हित करके वैसे प्रत्याशियों को भेज रहे हैं और राजद समर्थकों के लिए बहुत बड़ी खबर है चूँकि उनके दो कैंडिडेट के नाम की घोषणा अभी हुई है। वो लोग खुद अपने सोशल मीडिया से इस बात की जानकारी शेयर किए हैं। बहुत बड़ी खबर सारण और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए इंडिया अलायंस के जो है प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है। इसकी जानकारी जो है सोशल मीडिया पे जो है तैर रही थी। पिछले दिन कयास लगाए जा रहे थे कि क्या रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेगी। रोहिणी आचार्य जी हाँ वही लालू प्रसाद यादव की पुत्री है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपना किडनी देकर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जीवन दान दिया है। जी हाँ रोहिणी आचार्य जो पिछले दिन महारैली हुआ था उस रैली में लालू प्रसाद यादव उनको खुद मंच पे बुलाए थे और उनको राजनीतिक में एक तरीके से लॉन्च किया था। वो अब जो है कंफर्म हो चुका है, इस बात पे मोहर लग चुकी है कि इस बार जो है सारण लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य ही इन राजद के कैंडिडेट होगी। और साथ ही साथ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जो है टुन्ना जी पांडे इस बात दम भर रहे थे कि हमको जो है राजद से टिकट मिलेगा। इस बात पे भी जो है अब क्लियर हो चुका है कि महाराजगंज से रणधीर सिंह राजद के कद्दावर नेता रहे, प्रभुनाथ सिंह के पुत्र हैं, तो उनको भी इस महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जो है राजद के कैंडिडेट के तौर पे नाम की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में राजद समर्थकों में खुशी का माहौल देखा जा सकता है। सभी लोग जो है इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया पे देना शुरू कर चुके हैं। रोहिणी आचार्य जो है सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव राजद के सिंबल पे लड़ेगी, इस बात पे मोहर लग चुकी है और ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि राजद से रोहिणी आचार्य सारण की उम्मीदवार होगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी की ओर से कौन से कैंडिडेट आ सकते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी या फिर बीजेपी अपने कैंडिडेट को चेंज कर सकती है। दो नाम विनय सिंह और धर्मेंद्र सिंह का नाम भी चल रहा है। देखिए इन वक्त पे जो है थोड़ी ही देर में जो है बीजेपी भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर देगी। तो पल पल चुनाव से जुड़े अपडेट के लिए आप नमस्ते बिहार को फॉलो कीजिए यूट्यूब पे फेसबुक पे। यदि आप नमस्ते बिहार से नहीं जुड़े हुए हैं तो नमस्ते बिहार सर्च कीजिए और जुड़े रहिए। जैसे कुछ अपडेट आते हैं सारे अपडेट आपके साथ साझा किए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।